मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूँ कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। वचन मेरे पति को मिला है ना, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी खेल खेलना पड़े, किसी भी प्रकार से उन्हें मनाना पड़े, समझाना पड़े, उस वचन का लाभ तो मैं उठाकर रहूंगी। राधा का विवाह मैं तुमसे करवा के रहूंगी अयन, तुम निश्चिंत रहो। इतना अच्छा अवसर खो दिया तुमने, सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? शांत हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आज रात्रि तक किसी भी परिस्थिति में मैया को ये बता के ही रहूंगा, तुम निश्चिंत रहो। देखो मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती, स्मरण रखना केवल आज रात तक। जी हाँ, जैसे आपकी आज्ञा। आज रात तक केवल कहूंगा ही नहीं, मैया से हमारे विवाह के लिए उनकी स्वीकृति भी ले लूंगा राधा। सच? सच। कह ही देना कृष्ण, अब और प्रतीक्षा मत करवाना राधा से। केवल तुम्हारी ही नहीं, मैं अपनी प्रतीक्षा का भी अंत करना चाहता हूँ राधा, मैं अवश्य कहूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अरे क्या मैया, कितना सारा काम कर रही हैं आप, वो भी अकेले। तो चलिए मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, दीजिए। रुक 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 रुक, देखो तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। पहले तो कभी अपनी मैया पे इतना प्यार नहीं आया। ठीक हो गया हूँ मैया, बड़ा हो रहा हूँ ना, मुझे ना आभास हुआ मैया हमारे घर में बहू नहीं है, तो आपकी सहायता कौन करेगा? अब बहू नहीं तो ना सही, मैं तो हूँ। चल छोड़, अभी तेरी माँ की इतनी उम्र नहीं हुई है, कर लूंगी मैं खुद ही। तो मैया आपको सहायता की आवश्यकता तो होगी ना? तू चिंता ना कर, मैं कर लूंगी। लल्ला, क्यों अपनी मैया की इतनी चिंता करता है? मैया सब संभाल लेगी, देख तेरे लिए माखन बनाया हुआ है, दही बनाए, खा ले। क्षमा करना मैया, आपको बहू देनी है तो मुझे ये करना ही होगा। मैया इसमें माखन तो है ही नहीं, इसमें तो दूध है। नहीं नहीं लल्ला, माखन रखा है देख। नहीं नहीं मैया, इसमें दूध है, क्या आपका काना कभी आपसे असत्य कह सकता है? वास्तव में इसमें दूध है, माखन नहीं है, तनिक आके देखिए तो सही। ये देखिए। हाय दैया, ये मुझसे कैसे हो गया? तुम माखन कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें दूध है। और ये क्या है, ये खीर ऐसी क्यों है? हाय दैया, ये खीर को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, माखन के मटके में दूध डाल रही हूँ, दूध के मटके में दही डाल रही हूँ, और ये खीर। कोई बात नहीं, ठीक है, अब आयु हो चुकी है, शीघ्र ही थकान हो जाती है, अब थकान के पश्चात व्यक्ति तो ऐसी भूले करेगा ना। यदि ऐसे में कोई बहू होती जो
आपके इस गृहस्थ के मोजाल से आपको मुक्त करती तो बात अलग थी, किंतु आपके पास तो कोई बहू भी नहीं है। काश कोई बहू होती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करूंगा। छटीला, ये क्या हो गया तुम्हें? वो काम करते करते चक्कर आ गया था जी। वैद्य जी, क्या हुआ छटीला को? शरीर में थोड़ी थकावट है उग्रपद जी, इनकी आयु बढ़ रही है, अब इनका अकेले काम करना ठीक नहीं होगा। उचित कहा। सुनिए, एक प्रार्थना है, मानेंगे? हाँ हाँ, बोलो, निसंकोच होके बोलो। मुझे एक बहू ला दीजिए। कब से सपना है मेरा, और फिर मेरी सहायता भी हो जाएगी। नहीं माँ, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, और यदि तुम्हें काम की चिंता है तो कुछ सेवक रख लेते। सेवक काम करेगा धन के लिए, और बहू आएगी तो घर संभालेगी अपना घर मानकर, मन से। दोनों में अंतर है। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र कोई अच्छा संबंध देखकर अयन का विवाह संपन्न करवा दूंगा। सुनिए, संबंध यदि किसी ऐसी कन्या से हो जो हमें और हम जिसके परिवार को भली भांति जानते हैं। हाँ, ये भी उचित है। कोई अच्छी कन्या मेरी दृष्टि में आती है तो मैं संबंध लेके चला जाऊंगा, परंतु तुम चिंता मत करो, तो तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। आइए वैद्य जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। ये सब क्या है मां? तुमने तो राधा का नाम तक नहीं सुझाया। तुम्हारे पिता को मैं भली भांति जानती हूं। यदि मैं राधा का नाम ले लेती तो वृषभान से संबंध के बारे में वो कभी बात नहीं करते। उन्हें विवश करना होगा या इच्छा पूर्ति का वर मिला तो इन्हें, परंतु इच्छा पूर्ण केवल मेरी होगी।